गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन लास्ट लेक्चर वी सॉ, हम लोग देखें कि पॉवर्टी लाइन कैसे डिटरमाइन होता है, हाउ पॉवर्टी लाइन यूज टू डिटरमाइन, ठीक है, पॉवर्टी लाइन कैसे डिटरमाइन किया जाता है। एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड, वी गेट टू नो इट हु आर वल्नरेबल, है ना, हु आर वल्नरेबल एंड व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन। These all are very sensitive concept we have completed, and these are very sensitive concept and very sensitive issue of our society also, which we have completed. And you do revision as much as possible. Just you do revision of your earlier concept. It will make great sense when you will appear in examination or even your practical day to day life, when you will communicate from any people in society, you will have different, your own perspective, your own view. Okay, so let's start with poverty estimates. ठीक है, आज हम लोग poverty estimates start करेंगे कि इसका estimation क्या क्या है। ठीक है, estimation क्या क्या, मतलब कि किस समय पे कितना था। ठीक है, चलो देखो, it is clear from table 3.1. तो 3.1 टेबल क्या है कि एक्चुअली टेबल जो दिया हुआ वो सारे साल का एक ही जगह इकट्ठा दिया हुआ, ये देखो, है ना, एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया तेंदुलकर मेथोडोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है इंसान पर्सनालिटी तेंदुलकर, ठीक है, ये साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पॉवर्टी का मेजरमेंट होता है, ठीक है, पॉवर्टी एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेट्स जो हम लोग करते हैं, ये तेंदुलकर मेथोडोलॉजी पे होता है। एक्चुअली ये एक कमिटी है, ठीक, एक कमिटी बना था पॉवर्टी पे, उनका चेयरमैन थे ये तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर नहीं, ठीक है, दूसरे कोई। चलो देखो एक बार ये ग्राफ को देख लो, क्या है, ईयर 1993 टू 94 में पॉवर्टी रेशियो क्या रहा है, रूरल में 507, अर्बन में 32, टोटल 45, ठीक है, ओवरऑल ये पॉवर्टी रेशियो था। ये नंबर ऑफ पुअर, कितने लोग पुअर थे, 329 रूरल में, अर्बन 75, कंबाइन 404, ठीक है, इस तरह से ये सारा डाटा दिया हुआ। फिर आ जाओ 2011-12 का, रूरल में क्या है 26, अर्बन में 14, टोटल 22, ठीक है, ये टोटल जो है ओवरऑल है, ठीक है, ओवरऑल का बात कर रहा, 22। फिर नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस 217 रूरल में, 53 अर्बन में, कंबाइन 270। ये पूरा आंकड़ा है पॉवर्टी का। अब ये लिया कहां से गया, इकोनॉमी सर्वे। तो इकोनॉमी सर्वे क्या होता, हर एक साल में, ठीक है, जो चीफ इकोनॉमिस्ट होते हैं हमारे देश के, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सारा पेपर प्रिपेयर करवाते हैं, ठीक है, अपने देखरेख में सारा पेपर प्रिपेयर करवाते हैं, और ये रिप्रेजेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के थ्रू, ठीक है। तो इकोनॉमी सर्वे इस तरह से प्रिपेयर होता है, ठीक है, इस तरह प्रिपेयर होता है इकोनॉमी सर्वे। तो इकोनॉमी सर्वे समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रहता है, ठीक है, ये सिर्फ पॉवर्टी का हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ पॉवर्टी पे ये डाटा है। हालांकि इकोनॉमी सर्वे पूरा इंडिया का इकोनॉमिकल कंडीशन बताता है कि क्या ग्रोथ हुआ, कितना ग्रोथ होना चाहिए, किस सेक्टर का क्या हाल है, है ना, सारा चीज को काफी इनडेप्थ वो एनालिसिस करता है और एनालाइज करके बताता है, ठीक है। जब आप लोग अगर कोई हायर एजुकेशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेके पढ़ोगे या इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तब आप लोग को बहुत जरूरत लगेगा इकोनॉमी सर्वे का हर एक साल, और ये हर एक साल पढ़ना पड़ता है। चलो वो तो मैं थोड़ा अपर लेवल का बता दिया था, अब आ जाओ अपने जगह पे 9th पे। तो टेबल देख लिए क्या है, बस आंकड़ा दिया हुआ, डेट देयर इज अ सब्सटेंशियल डिक्लाइनिंग इन पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 45% इन 1993-1994 टू 37.2% इन 2004-5। मीन्स जो 1993 और 94
का बीच का जो समय था उस समय 45% था, ठीक है, और फिर 2004 से 2005 का जो समय आया वो घटकर 37.2% हो गया, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फर्दर केम डाउन टू अबाउट 22% इन 2011-12 में देखा जाए तो जो तुम्हारा प्रोपोर्शन है, ठीक है, पीपल्स का कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ठीक है, उस चीज का, तो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फर्दर केम डाउन टू अबाउट 22% इन 2011-12, ठीक है। 22% लोग जो थे वो 2011-12 की गणना के अनुसार बिलो पॉवर्टी लाइन थे, ठीक है। देन इफ द ट्रेंड कंटिन्यूज पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में कम डाउन टू लेस देन 20% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अगर इसी तरह चलता रहा तो 20% से भी कम हो जाएगा। Although the percentage of people living under poverty declined in the earlier two decades, 1973-1993, the number of poor declined from 407 million in 2004-05 to 270 million in 11-12. Means ki jo ek decadal iska decline hua, theek hai, decadal decline hua means decades mein decline hua hai. 73 से 93 के बीच में, ठीक है, देखो ये फेज में क्या हुआ है, पॉवर्टी जो हुआ डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, इस 20 साल के बीच में। तो क्या फिर द नंबर ऑफ पुअर डिक्लाइन फ्रॉम 407 मिलियन कब थे, 2004-05 के बीच में, ठीक है, 2004-05 के बीच में थे 407 मिलियन, और ये घटकर कितना हो गए हैं, 270 मिलियन इन 2011-12, ठीक है। इस तरह से जो तुम देख रहे हो डाटा, ये सीधा डिक्लाइन करता चला आ रहा है, ठीक है, विथ एन एवरेज एनुअल डिक्लाइन 2.2% पॉइंट्स, एवरेज देखा जाए हर एक साल तो 2.2% डिक्लाइन होता चला आया, कब से कब तक, ड्यूरिंग 2004-05 to 11-12। बस ये मतलब साल का जो वो डाटा हम लोग 3.1 में पढ़े हैं उसी चीज को बताया है एनालाइज करके, ठीक है, देखो इसी चीज को बताया कि घटता चला आया है, ये साइड देखो घटता चला आया है ना, ये देखो 404 था 270 हो गया, ठीक है, तो इसी चीज को बताया, वहां पे कोई ज्यादा टेंशन वाली बात, कोई भी बोदरेशन बात नहीं है। अब काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे है, वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है, देखो पहले वल्नरेबल्स ग्रुप होता क्या, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। बात समझे कि जो प्रोपोर्शन है पीपल का, जो पीपल हैं वल्नरेबल ग्रुप में, ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट फॉर ऑल सोशल ग्रुप, हर एक सोशल ग्रुप में जो पीपल हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया, ओके, सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउसहोल्ड्स, समझे, जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं दे आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट पुअर, ठीक है। सिमिलरली अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउसहोल्ड, ठीक है, अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप कौन सा है, रूरल एरिया का, ठीक है, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउसहोल्ड, जो एग्रीकल्चरल लेबर है रूरल एरिया में, ठीक है, वो, एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड्स, और शहर में जो कैजुअल लेबर है, कैजुअल लेबर मीन्स कि जो बाजार में खड़ा रहते हैं और उन्हें किसी भी काम के लिए हायर कर लो, अगर घर पे किसी तरह का बगानी ठीक करवाना, चलो जी मट्टी कोड़ देना, ये वो कर देना, ठीक है, अगर क्या कुछ भी काम मीन्स लेबर का कुछ भी काम हो आप उसे हायर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हुआ सीन, वल्नरेबल ग्रुप समझ गए, वल्नरेबल ग्रुप में क्या समझे भाई, अगर सोशल ग्रुप के टर्म में देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट
एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। और फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेट इज क्या होगा, एक आएगा रूरल और एक आएगा अर्बन। अर्बन में जो हो गया वो क्या रहेगा, बस कैजुअल लेबर जो वही सड़क पे मिल जाता, और रूरल एरिया में क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा क्या एग्रीकल्चरल लेबर है, ठीक है। तो दे विल कंप्राइज वल्नरेबल ग्रुप, ये लोग को मिलाकर वल्नरेबल ग्रुप बनता है। तो समझ गए वल्नरेबल ग्रुप क्या है, आई होप समझ गए होगे, क्योंकि काफी ये सब सेंसिटिव पॉइंट है, ये सब नहीं समझोगे ना, नहीं पकड़ोगे ना, तो इकोनॉमिक्स को समझने में थोड़ा तकलीफ होगा हायर लेवल पे। अभी तो आसान है, अभी तो कुछ नहीं है इकोनॉमिक्स में। ग्राफ 3.1 शोज द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल दीज ग्रुप्स, ऑल्दो द एवरेज फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप इन इंडिया इज 22. 43 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, ठीक है, समझे। देखो एक बार फिर समझा रहे हैं, बात समझो, देखो फिर से बता रहे, ठीक है, ध्यान देना फिर से। ऑल्दो चूंकि एवरेज फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप, जब एवरेज का बात कर रहा तो ऑल ग्रुप आ गया, एवरेज देखा जाए तो ये जो वल्नरेबल ग्रुप है वहां से देखा जाए तो 22 है, ठीक है 22 है। अब इसे डिवाइड किया 43 आउट ऑफ 100 पीपल, ठीक है, कितना 43, हर एक 100 में 43 पीपल जो है बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, वो अपना बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं कर पाते हैं। बेसिक नीड्स मतलब जो हुआ 2 square of meal, है ना, 2 square of meal, दो वक्त का रोजी रोटी भी ढंग से वो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, सिमिलरली 43% ऑफ कैजुअल वर्कर्स, कितना, सॉरी यार 43 में बोल दिया, सिमिलरली 34% ऑफ कैजुअल वर्कर्स, है ना, 34% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, जो अर्बन एरिया में कैजुअल वर्कर्स हैं, ठीक है, उनमें से 34% जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। अबाउट 34% ऑफ कैजुअल लेबर फार्म इन रूरल एरियाज एंड 29% ऑफ शेड्यूल कास्ट्स आर ऑल्सो पुअर, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पे दो सेंटेंस को एक साथ टाइप किया गया, तो ध्यान देना जो ट्विस्ट है वो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये डाटा है, डाटा को काफी ध्यान से पढ़ना पड़ता है, कितना परसेंट किसका बोल रहा, ठीक है। तो फिर क्या बोलता है, अबाउट 34% ऑफ कैजुअल लेबर फार्म, ठीक है, लेबर फार्म किस जगह का, कैजुअल लेबर किस जगह का, इन रूरल एरियाज, ठीक है, रूरल एरियाज का, ओके, ठीक है। अब एंड 29% ऑफ शेड्यूल कास्ट, किसका, 29% शेड्यूल कास्ट का आर ऑल्सो पुअर, ये लोग भी पुअर हैं। आगे देखो, द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर हाउसहोल्ड इन द सोशली डिसएडवांटेज्ड सोशल ग्रुप ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हाईलाइट्स द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। तो सीरियस प्रॉब्लम क्या है इनका, लैंडलेसनेस एक बहुत बड़ा है। देखो क्या लिखा, क्या लिखा, देखो ध्यान देना, बीइंग अ लैंडलेस, है ना, लैंडलेस, जमीन नहीं है इनके पास, ठीक है, ये वर्ड में काफी ध्यान से हाईलाइट करवा रहा हूं, अभी बताऊंगा रीजन क्यों करवा रहा हूं, ठीक है, कि डबल डिसएडवांटेज क्या, एक तो वो गरीब हैं ऑलरेडी पुअर, एंड उनके पास लैंडलेसनेस है, मतलब कि जमीन नहीं है, ठीक है, तो वो इनका डबल डिसएडवांटेज में आता है, ठीक है। किस सोशल ग्रुप का बात कर रहा है, शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हाईलाइट्स द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। अब जरा सा
इमेजिन करो, कोई इंसान है, ठीक है, एक तो वो गरीब है ही, अपना बेसिक नीड्स पूरा कर ही नहीं पा रहा, दो वक्त का रोटी मैनेज कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा उसमें और ऐड करो एक इमेजिनेशन कि उसका पास जमीन भी ना हो, रहने के लिए छत भी ना हो, जमीन रहेगा तब ना रहने के लिए कुछ रहेगा, ठीक है, उसके पास कुछ ना हो, रहने के लिए छत भी ना हो, अब बताओ वैसा इंसान का क्या हाल होगा सोसाइटी में, सोचो वैसा इंसान का क्या हाल होगा कि रहने के लिए उनके पास शेल्टर भी नहीं है, एक सिर छुपाने के लिए एक एल्बेस्टर का एक रूम का जो किसी तरह का रूम होता है, मिट्टी का बना हुआ, कुछ का भी बना हुआ, ठीक है, नहीं है, गर्मी, बरसात, जड़ा, ठीक है, सारा सीजन रोड पे सोएंगे, समझे, कोई दुकान बंद हो गया तो उसका नीचे जाकर सो जाएंगे एल्बेस्टर के पास। सोचो, इमेजिन करो ऐसा गरीबी, ऐसा चुनौती भरा जिंदगी। तो यार इंसान होने के नाते इन लोगों को हेल्प तो कर सकता है इंसान, ठीक है, हेल्प तो कर सकता है, गवर्नमेंट तो अपना इनिशिएटिव लेगी ही, ठीक है, गवर्नमेंट तो अपना इनिशिएटिव लेगी ही, तरह तरह का प्रोग्राम चलाएगी ही, ठीक है, फूड जो है उसे सिक्योर करवाएगी ही। बट व्हाट अबाउट अस बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि हमारे पास कुछ सोशल ड्यूटीज है? एनजीओ जो है ना, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ठीक है, बहुत सारे एनजीओ जो हैं इन लोगों को सपोर्ट करती है, किस टर्म में, खाना के टर्म में, फिर रहने के लिए छत देना, ठीक है, इस तरह से। एक देखो बहुत अच्छा एग्जांपल अभी दिमाग में आया था, एनजीओ बताते बताते दिमाग से उतर गया मेरा, रुको रिकॉल कर रहे हैं क्या मैं बताना चाह रहा था कि एक एनजीओ, अच्छा दिमाग से उतर गया, बड़ा सेंसिटिव एग्जांपल था, अच्छा पढ़ाते पढ़ाते याद आएगा तब बता देंगे फिर, ठीक है। तो ये सीरियसनेस हो गया, सीरियसनेस ऑफ प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अब देखो आगे, सम रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब हाउसहोल्ड्स, ऑल द अदर थ्री ग्रुप्स, दैट इज शेड्यूल कास्ट, रूरल, एग्रीकल्चरल, लेबर एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड हैव सीन अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन द 1990s। और देखा गया है पैरामीटर पे, वही सैम्पलिंग करके, ठीक है, कि 1990 के टाइम में इन लोगों में भी गरीबी दर में कमी आई है ना, समझे। चलो आगे आ जाओ।